औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ात को पूरा करें। अल्लाह पाक आपके तमाम मसले का हल फरमाएँ। अल्लाह पाक आपके तमाम दिली मुराद पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में झाड़ू देना देखना या किसी और को देते हुए देखना। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ख्वाब के अंदर झाड़ू देना ये झाड़ू देने वाले पर मुयस्सर है कि वो अखलाक वाला है या बद अखलाक है। अगर झाड़ू देना वाला बद अखलाक आदमी है, बद करदार आदमी है, ये ख्वाब इसके लिए हक में अच्छा है, इसको नेकी खैर की भलाई की तौफीक मिलेगी। अगर कोई शख्स अपने आप को किसी के घर में झाड़ू देते हुए देखता है, किसी अनजान घर में, ये शख्स जिसके घर झाड़ू देते हुए देखे इसके घर से माल समेटेगा, माल इकट्ठा करेगा, इसको माल मिलेगा। अगर कोई मालदार आदमी अपने आप को झाड़ू देते हुए देखे ये शख्स तंगी दस्त होगा, तंगी दस्त का शिकार होगा, फिक्र फाका माली नुकसान हो सकता है, माल से खाली हो जाने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर झाड़ू देखे, बांस का देखे या लकड़ी से तीलों का बना हुआ झाड़ू देखे, ये शख्स बहुत अपने नौकरों के मातहत मुलाजमीन इसकी नाफरमानी करेंगे, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स घर में झाड़ू लगाते देखे ख्वाब में, अगर इस घर में कोई बीमार है तो ये तबीर फोत होने इंतकाल से भी दी जाती है। अगर कोई शख्स अपने घर में झाड़ू लगाए तो इसकी ताबीर फोत होने से भी दी जाती है। ख्वाब देखने वाले शख्स को इस घर कुछ अगर कोई शख्स घर में झाड़ू लगाते हुए देखता है इसकी ताबीर और भी है। ख्वाब देखने वाला शख्स इस घर को छोड़कर किसी और घर में चला जाएगा, यानी अगर घर उसका किराए का है तो दूसरा घर ले लेगा, या उसका अपना है तो वो बेच कर कोई और घर ख़रीद लेगा, इस चीज़ से भी अलामत है। इसी तरह किसी ने ख्वाब में झाड़ू लगाया, कूड़ा करकट मिट्टी को इकट्ठा कर लिया, इसको माल और दौलत मिलेगी। अगर मकरूज है तो कर्ज अदा हो जाएगा। और उसने ख्वाब में झाड़ू देखा उम्र के ख़त्म होने की अलामत है। इसी तरह कोई शख्स ख्वाब में परेशान है, गम में मुबतला है और वो झाड़ू लगा रहा है, इसकी फिक्र गम टेंशन दूर हो जाएगी, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई ख्वाब में झाड़ू देखे तो कोई मुलाजम नौकर रखेगा। अगर झाड़ू लगाते देखे ख्वाब में इसका इसका माल ज़ाया हो जाएगा, माल नुकसान की अलामत है, माल नुकसान ज़ाया होने की अलामत है, ये भी एक ताबीर है। झाड़ू लगाना इसकी मुख्तलिफ ताबीरें होती हैं, झाड़ू लगाने की बहुत मुख्तलिफ ताबीरें होते हैं। जो इंसान जिस हाल में भी इस चीज़ को देखता है, झाड़ू लगाने की मुख्तलिफ ताबीरें होती हैं। इसकी मौत से भी दलालत दी जाती है, इसके घर के काम भी अच्छे हो सकते हैं, घर के मालिक से भी दी जाती है, और मुख्तलिफ अलामतें होती हैं। मौज़ सामीनों कराम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके तमाम दिली मुराद पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकल्लाह।